good morning students welcome to our hindi online class yesterday we completed the reading of part five lal bahadur shastri kal humne lal bahadur shastri part ki reading complete kar li thi. today we will do our copy work of part Five. First of all as all of you know you will write down the date and day in your copies then heading part five heading part ka name lal bahadur shastri वॉट इज़ फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक इज शब्दार्थ ठीक okay, है अब हम शब्द और उसके अर्थ लिखेंगे लेट स्टार्ट फर्स्ट वन इज वर्ष वर्ष मतलब साल सेकेंड वादा करना वादा करना मतलब वचन देना प्रॉमिस करना ठीक okay? है थर्ड फायदा फ़ायदा मतलब लाभ फोर्थ खुद खुद मतलब स्वयं फिफ्थ उच्च उच्च मतलब ऊंचा ठीक है आई होप आप सबको क्लियर है एक बार फिर से देख लो वर्ष साल वादा करना वचन देना फायदा लाभ खुद स्वयं उच्च ऊंचा ठीक है ये तो थे हमारे शब्दार्थ अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रश्न उत्तर एट रहा फर्स्ट प्रश्न प्रश्न वन शास्त्री जी स्कूल से आते समय रास्ते में क्यों रुके हाँ जी तो जब वो स्कूल से अपने दोस्तों के साथ वापस आए थे वो रास्ते में क्यों रुके थे आई होप आप सबने पाठ रीड किया है तो आपको आंसर्स पता होंगे लेट्स डू उत्तर वन इज़ शास्त्री जी रास्ते में फलों का बगीचा देखकर रुके क्या मूविंग ऑन टू आर सेकेंड प्रश्न प्रश्न टू इज शास्त्री जी के दोस्त अचानक बगीचे से क्यों भाग गए उत्तर इज माली के आ जाने से शास्त्री जी के दोस्त अचानक बगीचे से भाग गए है। जब माली आ गया तो उनके दोस्त डर के हमारे भाग गए ठीक है प्रश्न थर्ड इज इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है हाँ जी अब ये जो पूरा आपने स्टोरी पढ़ी थी लाल बहादुर शास्त्री जी के लाइफ का एक पार्ट पढ़ा था जो उससे आपको क्या शिक्षा मिली थी इस स्टोरी से उत्तर इस हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए ठीक है तो हमें क्या शिक्षा मिली थी कि हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए ये तो थे हमारे प्रश्नोत्तर आई होप आप सबको प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे और लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज वाक्य बनाओ आज हम मेक सेंटेंसेस भी कर लेंगे वाक्य बनाओ भी कर लेंगे लेट स्टार्ट फर्स्ट वन इज़ बगीचे बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं ठीक है सेकेंड इज़ माली माली पौधों को पानी देता है थर्ड देश मेरे देश का नाम भारत है एंड फोर्थ फल फल का क्या आएगा फल खाने से सेहत अच्छी रहती है एंड लास्ट वन इज़ बाग बाग में आम के पेड़ लगे हैं आई होप आप सबको वाक्य बनाओ और प्रश्नोत्तर एंड शब्दार्थ तीनों चीज़ें आज का हमारा क्लास वर्क जो था वो समझ में आ गया होगा ठीक है अब ये आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपीज पे करना है और एंड ऑल्सो लर्न इट ठीक है वॉज द होमवर्क फॉर टुडे लर्न एंड राइट क्लास वर्क ठीक है ये जो आ, आज हमने ये सारा क्लास वर्क किया है शब्दार्थ प्रश्नोत्तर देन वाक्य बनाओ ये सब आपने नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग्स में अपनी कॉपीज पे करना है एंड ऑल्सो लर्न इट ओके थैंक यू